अपने गोल्स के लिए टाइम निकाल कर, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करके, अपनी सभी इनसिक्योरिटीज़ को, सभी उन बातों को जो आपको कुछ भी करने से रोक रही है, उन्हें टाटा बाय बाय कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा साउंड ज़रूर कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। अगर आप ये अपने आप से कह रहे हैं तो आप अपने आप से एक और अलग झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है, इससे बड़ा एक्सक्यूज़ शायद दुनिया में और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। और ये एक ऐसा एक्सक्यूज़ है जिसे आपको सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंकना होगा। अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। हाँ, शायद आपको इस बीच में कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने होंगे, शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होंगी। लेकिन अगर आप कोई चीज़ एक्चुअल में हासिल करना चाहते हैं, सच में, तो ये आप ज़रूर करेंगे। और इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर दिल से आप किसी चीज़ को हासिल करने की तमन्ना रखते हैं तो बड़ी आसानी से आप हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। और समय के सदुपयोग यानी कि सही यूटिलाइजेशन के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, और 24 घंटे इतने कम तो नहीं हो सकते कि आप अपने गोल्स पे फोकस करने के लिए थोड़ा सा भी टाइम अपने खुद के ग्रोथ के लिए ना निकाल पाएं। मैं जानती हूँ मेरी एक पड़ोसी को जो कि 5 साल पहले जिनकी शादी हुई थी, और 3 साल पहले उनका डिवोर्स हो गया, नहीं 3 साल पहले उनका एक बच्चा हो गया और 2 साल पहले उनका डिवोर्स हो गया। 3 साल पहले मैंने उन्हें 3 महीने की छुट्टी लेते देखा था, जिसे हम मेटर्निटी लीव कहते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे का की जिम्मेदारी उठाने की इच्छा में कभी भी कोई भी छुट्टी नहीं ली ऑफिस से। ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही तरीका है और आपको इसी को फॉलो करना ज़रूरी है, पर क्योंकि उनके लिए अपना करियर बहुत ज़रूरी था, शी मेड श्योर कि वो उतना टाइम वहाँ पर दें। और उनका बच्चा किसी भी तरह से सफ़र नहीं कर रहा है। हाँ, उन्हें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। एक टाइम जब आपको अपने बच्चे के साथ बिताना होता है, वो उन्हें शायद उतना नहीं मिल पा रहा है। शायद वो जब घर आती हैं तो टीवी ना देख के अपने बच्चे के साथ खेलते खेलते सो जाती हैं। शायद वो उस तरह का खाना नहीं खा रही है जिस तरह का खाना उन्हें पसंद है, क्योंकि उसे उन्हें मैच करना होता है। शायद उन्हें नानी का खर्चा एक्स्ट्रा देना होता है। लेकिन जब तक वो चीज़ें कर रही हैं जो उन्हें एक्चुअल में खुश करती हैं, ये सब चीज़ें बैक सीट में आती हैं और ये उनकी खुशी में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं रख सकती, क्योंकि ये भी उन्हें एक तरह का एहसास देती हैं कि जो उन्हें हासिल करना था उसके लिए उन्होंने मेहनत की। और ये एहसास हर औरत को मिले, इसलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें, तो छोटी छोटी चीज़ें कीजिए। कोई पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम फॉर नाउ। अगर आपको कुछ नया बिजनेस छोटा सा स्टार्ट करने का मन है तो वो कीजिए। अगर होम ट्यूटरिंग करना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं, कहीं से शुरुआत कीजिए ताकि आपको एहसास हो कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं और क्या इसे करके आपको खुशी मिल रही है। टाइम निकल जाता है, बस निकालना पड़ता है। और आज जहाँ पे हमारी ये दुनिया इतना प्रोग्रेस कर रही है, जहाँ पे हर चीज़ चुटकियों में एक फ़ोन में अवेलेबल है, ऐप्स, एक्सेसिबिलिटी, जहाँ पर दूध वाला दूध आपके घर पर एक ऑनलाइन बटन को टैप कर दे जाता है, जब सब्जियाँ तक आपके घर पर डिलीवर होने लगी हैं, ये सब इसलिए हुआ है ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी फास्ट हो सके। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप समझें कि आप हमेशा इन चीज़ों का यूज़ करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज करके टाइम निकाल ही लेंगे। तो टाइम को एक्सक्यूज़ बनाकर बताना बंद कीजिए, और खुद के लिए आपको कितना समय चाहिए उसके लिए एक लिस्ट बनाइए, रिसर्च कीजिए, डिसिप्लिन चार्ट बना लीजिए, या कुछ भी कीजिए, पर कहीं से शुरुआत कीजिए। अगले वीडियो में हम फियर ऑफ फेलियर के बारे में बात करेंगे।